अगर आप लोग एक सर्वर ओन करते हैं तो आप लोग कभी कभी चाहेंगे कि उसका एक डैशबोर्ड आप लोगों को मिल जाए। ऐसे में आप लोग अम्ब्रेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में यही आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने पर्सनल सर्वर पर अपनी मनचाही एप्स को होस्ट कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं अम्ब्रेल को किस तरह से इंस्टॉल करना है और यूज करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे पहला काम जो करने वाला हूँ वो ये है कि umbrel.com को खोलूंगा। इससे आप लोगों को एक अच्छा आइडिया लगेगा कि अम्ब्रेल क्या है। तो आप लोग अगर एक लिनोड बनाते हो, मैं सबसे पहले जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ अपने लिनोड अकाउंट में। ये पहला स्टेप है जो कि मैं पूरा कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो मैं अपने लिनोड अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आप लोग लिनोड यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग को $100 60 दिन के लिए मिलते हैं अगर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का इस्तेमाल करते हो। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो और लिनोड आपको ट्राई आउट करने के लिए $100 फ्री में दे रहा है 60 दिन के लिए। तो लिनोड में लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर एक लिनोड यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बना सकता हूँ। अब अगर आप इस सर्वर को मैनुअली बनाते हो, बात ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि मैं जो तरीका यूज़ करने वाला हूँ वो लिनोड स्पेसिफिक एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हो किसी भी सर्वर पर तो आपने कुछ नहीं करना यार, इनका ये जो कमांड है ये चला देना, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर लिनोड की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मार्केट प्लेस पर जाऊँगा और यहाँ पर अम्ब्रेल लिखूँगा, UMBREL, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर अम्ब्रेल लिखूँगा मुझे मार्केट प्लेस ऐप मिल जाएगी। तो मार्केट प्लेस पर अम्ब्रेल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि एक लिनोड यहाँ पर बना लूँगा। तो मैं यहाँ पर 22 या फिर मैं LTS यूज़ करता हूँ, मैं 22.04 LTS Ubuntu बनाता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि रीजन सेलेक्ट कर लूँगा मुंबई, मुंबई पास में है ना, इसलिए अगर आप लोग US वगैरह में बैठ के देख रहे हो वीडियो तो शायद आप लोग बनाना चाहोगे अपने आसपास के रीजन में, ठीक है। अब इसके बाद मैं डेडिकेटेड CPU लेके मैं 16 GB का बनाऊँगा, लेकिन आप लोग नैनोड पे भी बना सकते हो इसको, यानी कि $5 में आप लोग अपना काम जो है कर सकते हो। मैं यहाँ पर डेडिकेटेड 4 GB ले लेता हूँ, थोड़ा और कम, ठीक है। इसके बाद एक रूट पासवर्ड दे दूँगा और उसी के साथ साथ मैं नीचे आऊँगा और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं क्रिएट लिनोड करूँगा और ये प्रोविज़न होने में देखो टाइम तो लेता है, ठीक है, लेट्स बी रियल, टाइम लेगा ये प्रोविज़न होने में। और मैंने अभी क्या किया, एक सादा सर्वर बनाया, मैंने कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं की, सिंपल मैंने सर्वर बनाया। इस सर्वर पर मैं अब ये वाला कमांड रन करूँगा, आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला कमांड मैं ये कमांड रन करने वाला हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। जो अम्ब्रेल वाला जो वेबसाइट मैंने आप लोग को दिखाई थी ना, ये जो कमांड इन्होंने दिया हुआ है ये कमांड मैं रन करने वाला हूँ यहाँ पर अपने इस सर्वर में। लेकिन अभी ये क्योंकि प्रोविज़न हो रहा है थोड़ा टाइम लेगा ये प्रोविज़न होने में, बनने में, क्योंकि क्या होता है ना जब आप लिनोड पर अपनी एक नई मशीन बनाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि तैयार खड़ी है मशीन्स, आपकी मशीन को रिसोर्स एलोकेट की जाती है, उसके बाद उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह काफ़ी जल्दी जल्दी जो भी इनका प्रोसेस रहता होगा वो किया जाता है, डेफिनेटली वट एवर द प्रोसेस भी टाइम तो लगता है यार। तो इसलिए इसको जो है मैं थोड़ी देर छोड़ दूंगा और मैं इसके बाद फिर वापस आऊँगा एक बार जब ये चीज़ पूरी हो जाती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी जो प्रोविजनिंग है वो अब चेंज होकर रनिंग हो गया है, यानी कि अब ये जो मशीन है ये चल रही है, चालू है, मतलब कि मैं इसका लिश कंसोल यहीं से चालू कर सकता हूँ और इसमें कमांड्स वगैरह रन करके अपनी इस मशीन को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मुझे लॉगिन मांग रहा है तो मैं कहूँगा भाई रूट यूज़र से मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, और मैंने एक्चुअली अपना जो पासवर्ड है वो कॉपी किया हुआ है, क्या Ctrl+V से मैं पेस्ट कर सकता हूँ पासवर्ड अपना, हाँ कर सकता हूँ, बढ़िया, ठीक है। आपने जो भी पासवर्ड दिया था इसको बनाते वक्त वो डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं LS कर सकता हूँ, मैं PWD कर सकता हूँ, सारे Ubuntu Linux के कमांड्स में रन कर सकता हूँ, लेकिन एट दिस पॉइंट आई एम इंटरेस्टेड इन इंस्टॉलिंग अम्ब्रेल। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा और जल्दी से, मतलब बहुत ही जल्दी से, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं पेस्ट कर दूँगा ये वाला कमांड, ठीक है। मैं Ctrl+V करता हूँ, एंटर मारता हूँ, देखो टाइम लेता है थोड़ा सा, ठीक है, इनका तो नेट बहुत ही तगड़ा होता है, तो आपने अगर अपनी जियो की सिम लगा रखी है 1 GB वाली उससे बेटर होती है इनकी, ठीक है। तो टाइम लगेगा उतना भी नहीं लगेगा जितना आपको लगता है जियो की सिम 1 GB ख़त्म करने के बाद। अब यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं और इसका वेट करेंगे, उतनी देर में हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं कि अम्ब्रेल में हम कौन कौन सी ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सतोशी नाकामोटो गुड मॉर्निंग किया जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि इंस्टॉल हो रखी हैं इसमें, तो बेसिकली है Ubuntu सर्वर, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसको एक बहुत ही अच्छा सा GUI वगैरह दे रहे हो, ऑलमोस्ट एक OS जैसा, काइंड ऑफ एक OS जैसा, ठीक है, आप इंस्टॉल करो। ऐसा नहीं है कि पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है GUI वाला फुली फ्लेज्ड इंस्टॉल हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी हमारे सर्वर में है, बिना उसके चलेगा नहीं वो, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं
वाली फील लेने के लिए अम्ब्रेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप यहाँ पर ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो, डार्क मोड ऑन कर सकते हो, सारे फीचर्स बता रहे हैं। और डेफिनेटली आप लोग इसको एक्सप्लोर करके और भी बहुत सारे फीचर्स इसके देख सकते हो, बट एट दिस पॉइंट मैं वेट करूँगा इसके इंस्टॉल होने का। और ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग जा सकते हैं अपने सर्वर पे, और सर्वर पे जैसे ही जाएंगे हम लोग वैसे ही ये मुझे सर्वर में एंट्री दे देगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि वेट करूँगा इसका, तो ये काफ़ी टाइम लेगा अभी इंस्टॉल होने में, तो मैं थोड़ा इसको टाइम देता हूँ और फिर उसके बाद वापस आता हूँ। तो ये यहाँ पर मुझे लगा कि इंस्टॉल नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये इंस्टॉल हो गया क्योंकि इसने मुझे जो है कंसोल में ला के फेंक दिया है। ठीक है, तो ये सब हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एंटर मार रहा हूँ तो ये देखो अम्ब्रेल यहाँ पर ही खुल गया। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, इनफैक्ट दो तीन चीज़ें आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग इसको जब खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका HTTPS लग जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, मैंने देखा है कई बार कि HTTPS ऑटोमेटिकली लग जाता है। ऐसे में आपने करना क्या है कि URL को चेंज करके HTTPS में से S हटाना है और HTTP पे खोलना है इसको। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये किस तरह से करना है। HTTP ऐसे आप मैनुअली लिख लेना इसमें, ठीक है, HTTP ऐसे करके लिख लेना इसमें, तो ये चल जाएगा। ठीक है, HTTPS पे नहीं चलता है क्योंकि डेफिनेटली SSL सर्टिफिकेट है नहीं हमारे पास, तो नहीं चलेगा। अब यहाँ पर वेलकम टू अम्ब्रेल स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एक अकाउंट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैरी, अभी कह रहा है भाई एटलीस्ट 12 करेक्टर होना चाहिए, हैरी 1 2 3 4 5 6 7, और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे डालूँगा, देखते हैं अलाउ करता है कि नहीं। 7 8 9 9 तक लिया है हमने, ठीक है याद रखना आप लोग, कहीं भूल जाओ मैं आपसे ही पूछूँगा। 1 से लेके 9 तक लिया है हमने, ठीक है हैरी 1 से लेके 9 तक, सेव कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बर्थडे, इन्होंने ऐसे ये सब चीज़ें उड़ाना शुरू कर दी। अब देखो गुड इवनिंग हैरी बोल रहे हैं लोग, इंस्टॉल योर फर्स्ट ऐप, कह रहे हैं भाई फर्स्ट ऐप अपनी इंस्टॉल कर लो। ये एक Ubuntu सर्वर है, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया इसने मुझे इंटरफेस दे दिया ऐसे ही, मतलब मैं अपने सर्वर पे यहाँ जा सकता हूँ। अब आप कहोगे कि यार कोई भी घुस के कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लेगा, ऐसे कैसे चलेगा, तो आपको दिखाता हूँ मैं। अगर मैं इसको इनकॉग्निटो में खोलूं और आप लोग को दिखाऊं, तो देखो ये सबसे पहली चीज़ लॉगिन मांगेगा, ये ऐसे नहीं कि मतलब आपको घुसने देगा। अगर मैं पासवर्ड डाल दूंगा तो डेफिनेटली ये घुसने देगा, बट ऐसा नहीं कि कोई भी आपके सर्वर में आके घुस जाएगा। तो ये सवाल होता है कई लोगों का, मुझे पता है कमेंट्स आने वाले थे बहुत सारे जो कि ये पूछते, तो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो इंस्टॉल योर फर्स्ट ऐप, और उसी के साथ साथ अप टाइम क्यूमा, ये बहुत सारी ऐप्स हैं, इसमें बहुत सारी ऐप्स हैं। मैं म्यू मोर इन ऐप स्टोर करता हूँ। अब इसे मान लो मैं फाइल एक्सप्लोरर यूज़ करना चाहता हूँ कि भाई मेरे सर्वर में कौन कौन सी ऐप्स पड़ी हैं, फिर मैं फायरफॉक्स यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल कर सकते हैं हम फायरफॉक्स को। ठीक है, उसी के साथ साथ हम फाइल एक्सप्लोरर भी इंस्टॉल कर सकते हैं कि भाई हम अपनी फाइल्स व्यू कर पाएँ। ठीक है, तो आप डाउनलोड पे चीज़ें लगा सकते हो सिर्फ अम्ब्रेल यूज़ करके, यानी कि आपने फायरफॉक्स यूज़ कर लिया, आपने फाइल एक्सप्लोरर यूज़ कर लिया, और आप फाइल्स डाउनलोड करो अपने सर्वर में। वैसे ज़रा सोचो अगर आप Ubuntu सर्वर में लॉगिन कर रहे हो और उसके बाद कमांड्स रन कर रहे हो कमांड लाइन पे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, अब देखो ये फाइल ब्राउज़र तो मेरा इंस्टॉल हो गया, मेरा फायरफॉक्स भी इंस्टॉल हो गया। फायरफॉक्स इंस्टॉल हुए तुम कि नहीं हुए इंस्टॉलिंग, काफ़ी टाइम ले रहे हो फायरफॉक्स तुम, अच्छी बात नहीं है, जल्दी से हो जाओ इंस्टॉल। अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं हम इसके इंस्टॉल होने का, हो चुका इंस्टॉल। अब देखो ये यहाँ पर इसने फायरफॉक्स इसमें इंस्टॉल कर ली। अब भाई ये कैसे चल रहा है ये इसकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है, आपको फायरफॉक्स मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर स्पीड टेस्ट करता हूँ। अब डेफिनेटली हम एक स्लोअर सर्वर में हैं तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस शायद आपको ना मिले अगर आप स्लोअर सर्वर में हो, बट अगर आप लोग अच्छा सर्वर बनाओगे, थोड़ा बड़ा सर्वर बनाओगे, तो शायद आपको और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब देखो क्या लाजवाब स्पीड आ रही है इंटरनेट की इनके। अब ऐसा होता है ना कि ये मेरी इंटरनेट स्पीड नहीं है, ये इंटरनेट स्पीड इनकी है, मतलब कि जहाँ पर ये हो, यानी मेरे सर्वर की है बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर रह गए मैं कई चीज़ें कर सकता हूँ, चीज़ें डाउनलोड कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ मूवीज़, और काफ़ी स्मूथ चल रहा है वैसे बाय द वे। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी मूवीज़ हैं, इनको डाउनलोड किया जा सकता है। मान लो मैं ये डाउनलोड करता हूँ, मान लो ब्रीथिंग वीडियो, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है नेट पे। अब ये कह रहा है कि ये जो है कांट बी प्लेड बिकॉज द फाइल इज़ करप्ट। ओ, इसको देखते हैं, ये देखो डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया मूवी सबमिशन फाइनल डॉट WMV। अब मान लो मैं शो इन फोल्डर करूँ इसको अगर, तो ये नहीं खुलेगा क्योंकि हम फायरफॉक्स अम्ब्रेल में चला रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं आऊँ फाइल एक्सप्लोरर पे, ठीक है, अगर मैं एक काम करता हूँ, होम पे आता हूँ, मेरी ऐप्स यहाँ पर दिख रही हैं, मैं फाइल एक्सप्लोरर पे जाऊँगा
और आप देखो यहाँ पर माई फाइल्स पे मैं क्लिक करूँगा, न्यू फोल्डर बना सकता हूँ मैं, न्यू फाइल बना सकता हूँ, सेटिंग्स में जा सकता हूँ। अब माई फाइल्स में यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, ऐसा क्यों, ये क्या है, डाउनलोड फाइल्स, अपलोड फाइल, तो मैं यहाँ पर फाइल अपलोड कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। आई थिंक ये मेरे पूरे सर्वर की फाइल्स नहीं दिखा रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि अगर ये मेरे पूरे सर्वर की फाइल्स दिखा रहा होता तो फिर ये मुझे यहाँ पर सारी ये दिखाता, लोकेशन वगैरह दिखाता चीज़ों की। अब यहाँ पर मैं अपलोड डाउनलोड ये सब कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैं एक कोई फाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ, डॉट जिप, डेटा डॉट जिप ही क्या है, डेटा डॉट जिप जो है वो एम्प्टी है कह रहा है। तो मतलब कुल मिला के आप इसमें बहुत सारी ऐप्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ होम पे या फिर ऐप स्टोर पे, तो देखो कई चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। क्या क्रोम है इनके पास, मुझे नहीं लगता क्रोम होगा इनके पास, नहीं है। अगोरा, सेल योर फाइल्स फॉर बिटकॉइन, फिर बहुत सारी चीज़ें, लिब्रे ऑफिस भी है, वाओ ऑसम। और कई चीज़ें हैं जो कि आप एक अच्छा लिनोड बनाकर जो है यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप लोग फ्री में ट्राई आउट करना चाहते हो लिनोड को, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से $100 60 दिन के लिए ट्राई आउट कर सकते हो, और एक अच्छा सर्वर में अम्ब्रेल को जो है होस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर देखो वीएस कोड भी है, अगर आप लोग यहाँ पर कोड सर्वर, मुझे दिखा था यार अभी, मुझे दिखा था, सीरियसली दिखा था कोड सर्वर, कहीं ना कहीं ये है देखो कोड सर्वर ये रहा, तो आप वीएस कोड को जो है डाल सकते हो और कोडिंग वगैरह कर सकते हो। यार मतलब और क्या चाहिए आपको, बताओ, आप वीएस कोड जो है वो डाल सकते हो। देखो डिफ़ॉल्ट ऐप पासवर्ड भी इन्होंने दिया हुआ है, इसको कॉपी कर सकते हो ताकि आप इस ऐप को यूज़ कर पाओ। तो यार मैं तो इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ अभी, फुल मज़े लेने वाला हूँ इसके। आप लोग इसमें और चीज़ें ट्राई आउट करना, और मुझे कॉमेंट्स में आप लोग बताते रहा करो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों से सीखने को मिलती हैं जब आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताते हो, तो उसको आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू रखा करो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Oh,